बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द लर्निंग ऑफ साइंस फॉर क्लास थ्री। लर्निंग ऑफ साइंस फॉर क्लास थ्री, लेट्स ओपन द बुक्स एंड मूव ऑन द यूनिट नंबर सिक्स। यूनिट नंबर सिक्स इज मटीरियल्स, मैटर एंड मटीरियल, मैटर एंड मटीरियल्स। डियर चिल्ड्रन, यू ऑलरेडी नो दैट एनीथिंग दैट हैज वेट and occupies space is known as matter. Chair, table, car, television, balloon and you as well as are the made of matter. यानि हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वजन रखती है उसको कहते हैं ये matter है। It's a type of matter. जैसे कि chair है, table है, car, television, balloon and you as well as are the made of matter. ये matters की examples हैं। You already know that anything that has weight and occupied space of is known as matter. इसको matter का नाम दिया जाता है। Chair, tables, car, television, balloon and you as well are known as made of matter. Matter is found in only three states. यानी जो मैटर है इसकी थ्री स्टेट्स होती हैं, डैट आर सॉलिड, जो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है एंड इन गैस फॉर्म, और गैस फॉर्म में हो सकता है। इन अदर डेली लाइफ, हमारी इन और डेली लाइफ, हमारी जो डेली की रूटीन है, वी यूज़ डिफरेंट थिंग्स, हम लोग मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लाइक पेन, जैसे कि पेन है, बुक है, टेबल एंड टॉयज एंड मैनी अदर थिंग्स, और बहुत दूसरी चीज़ें हैं जो हम लोग डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। इन आर डेली लाइफ वी यूज़ डिफरेंट थिंग्स लाइक पेन, बुक, टेबल, टॉयज एंड मैनी अदर थिंग्स। ऑल दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ सम मेटल, और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये किसी ना किसी मैटर से बनी होती हैं, जैसे कि इसमें वुड हो सकता है या प्लास्टिक हो सकता है। We use a word material to describe what things are made from. वो चीज़ें, वो मैटर जो हम लोग, मैटर इज ओनली इन थ्री स्टेट्स, यानी इसकी थ्री स्टेट्स होती हैं, जैसे कि उसने कहा है कि इसमें सॉलिड स्टेट है, लिक्विड है एंड गैस स्टेट है। In our daily life, we use different things like pen, book, table, toys and many other things. हम लोग जो हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें जो daily basis पे use करते हैं, जिसमें pen है, book है, table है, toys and many other things हैं। All these things are made of some metal. और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये किसी ना किसी मेटल से मिल के बनी होती हैं, जिसमें वुड हो सकता है या प्लास्टिक हो सकता है। वी यूज़ अ वर्ड मटीरियल टू डिस्क्राइब, हम लोग इसमें वर्ड मटीरियल का यूज़ करते हैं टू डिस्क्राइब करने के लिए व्हाट थिंग्स आर मेड फ्रॉम, यानी कौन सी चीज़ किससे बनी हुई है। नो लुक एट द थिंग्स, थिंग्स मेड ऑफ वुड, यानी वो चीज़ें जो लकड़ी से बनी हुई हैं। थिंग्स मेड अप ऑफ वुड, यानी वो चीज़ें जो लकड़ी की बनी हुई हैं, उसमें ये डोर है, इट्स अ टेबल, इट्स अ टूल एंड अ कबर्ड। थिंग्स मेड ऑफ वुड, वो चीज़ें जो लकड़ी की से बनी हुई हैं, उसमें ये वुड है, उसमें ये वुड डोर है, टेबल है, टूल है एंड कबर्ड है। एंड थिंग्स मेड ऑफ मेटल, और वो चीज़ें जो मेटल से बनी हुई हैं, जिसमें ये जो है ये बकेट है, इट्स अ सीजर एंड द कार, एंड कार के बाद ये जो है ये मेटल का एक जो है वो सिलेंडर बना हुआ है। यानी ये सारी चीज़ें किससे बनी हुई हैं, दिस मेड ऑफ मेटल, ये मेटल की बनी हुई हैं। थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक, और वो चीज़ें जो प्लास्टिक की बनी हुई हैं, थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक लाइक अ टॉयज, टॉयज कार, लाइक अ बकेट, लाइक अ दिस बाउल एंड द टूल एंड टेबल, दीज आल आर मेड ऑफ प्लास्टिक, ये चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई हैं। ये तमाम चीज़ें कौन से मटीरियल से बनी हुई हैं, प्लास्टिक मटीरियल से बनी हुई हैं। मूव ऑन द नेक्स्ट पेज।
एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल. नाउ वी डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल, यानी मटीरियल्स की प्रॉपर्टीज को हम लोग जो हैं वो डिस्कस करेंगे. वी डिस्क्राइब थिंग्स अकॉर्डिंग्स टू देयर कलर, साइज, शेप एंड टेक्सचर. हम लोग जो हैं वो चीज़ों को उनके साइज से, उनके कलर, उनकी शेप और टेक्सचर के हिसाब से उसको डिस्क्राइब करते हैं. एंड दीज आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ एनी थिंग, और ये किसी भी चीज़ के जो हैं वो डिफरेंट फीचर्स हो सकते हैं. हाउ इट लुक्स, पहले इसकी लुक की तरफ जाते हैं. We know about different things by looking at their. हम लोग जो हैं वो different चीज़ें देखते हैं. Difference by at their color, उनके color के हिसाब से. Shape and size, उनके shape और size के हिसाब से. Flowers are of different colors, इसी तरह फूल जो हैं वो ये different colors के होते हैं. Shapes and size, shapes और size के होते हैं. Pure water has no color and the fresh orange juice is orange in color. इसी तरह जो फूल हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, शेप्स और साइज के होते हैं. और जो प्योर वाटर है, हैज़ नो कलर, इसका कोई कलर नहीं होता है. एंड फ्रेश ऑरेंज जूस इज ऑरेंज इन कलर, और जो फ्रेश ऑरेंज जूस है ये ऑरेंज कलर का होता है. नेक्स्ट है हाउ इट फील्स. When we touch something, we come to know that it is hard, soft, rough, smooth, hot or cold. इसी तरह जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो हम इससे फील करते हैं कि ये हार्ड है, सॉफ्ट है, रफ है, स्मूथ, हॉट और कोल्ड. यानी ये स्मूथ है, रफ है, जो है हार्ड है, सॉफ्ट है. थिंग्स मेड फ्राम वुड, वो चीज़ें जो लकड़ी से बनी होती हैं, स्टोन एंड आयरन, या आयरन से बनी होती हैं, आर हार्ड, वो हार्ड होती हैं. कॉटन एंड वूल आर सॉफ्ट, इसी तरह जो कॉटन और वूल की चीज़ें बनी होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं. लुक एट द पिक्चर्स, यहाँ पे देखें वो चीज़ें, उसने कहा है वो चीज़ें जो वुड की बनी होती हैं वो, और स्टोन की बनी होती हैं और आयरन की बनी होती हैं, वो हार्ड होती हैं. जैसे जैसे कि ये टेबल है, वुड टेबल है. उसके बाद ये पैन है, ये आयरन का बना हुआ है. एंड द कप इज़ मेड ऑफ स्टोन, ये तमाम चीज़ें. एंड द ग्लास इज़ आल्सो मेड ऑफ स्टोन, और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हार्ड हैं, हार्ड हैं. और जो वो चीज़ें जो कॉटन और वूल से बनी होती हैं, लुक एट दिस ड्रेसेस, ये कॉटन और वूल से बने हुए हैं और ये सॉफ्ट हैं. नेक्स्ट इज मटीरियल्स, हाउ इट स्मेल. मटीरियल एंड मैटर्स में हमारे पास है इसकी खुशबू और बू के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. हाउ इट स्मेल्स, यानी इसकी स्मेल कैसी होती है. वी आल्सो रिकग्नाइज डिफरेंट थिंग्स फ्राम देयर स्मेल, हम लोग जो हैं वो डिफरेंट मुख्तलिफ चीज़ों को उनकी स्मेल से रिकग्नाइज कर सकते हैं. मैनी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स गिव ऑफ स्मेल, यानी तमाम जो जानदार और बेजान चीज़ें जो हैं उनकी कोई ना कोई स्मेल होती है. स्मेल कैन बी स्वीट, ये स्वीट हो सकती है. शॉक एंड टेरिबल एंड समथिंग मे हैव नो स्मेल, और बाज़ूकात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी कोई स्मेल नहीं होती है. द फ्लावर गिव ऑफ स्वीट स्मेल, इसी तरह जो फूल है इसकी स्मेल जो है वो बहुत स्वीट होती है. बट द स्मेल ऑफ गैसेस एंड पेट्रोलियम इज़ बैड, इसी तरह जो डिफरेंट गैसेस होती हैं और जो पेट्रोलियम इंस्ट्रूमेंट्स और पेट्रोलियम मसनूआत में से जो निकलती है स्मेल, वो बैड होती है. बट द स्मेल ऑफ गैसेस एंड पेट्रोलियम इज़ बैड, वो बैड होती हैं. Now how it sounds, अब इसकी आवाज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. Many things produce sounds and we know about things by their sounds, like different musical instruments and roaring of a lion and chirping of birds, sounds of machines and metal, wood or plastic etc. इसी तरह बहुत सारी जो हैं उन चीज़ें जो हैं उनकी आवाज़ें हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनकी आवाज़ पे डिपेंड करता है. जैसे कि हम लोग जानते हैं we know about things by their sounds, यानी उनकी आवाज़ों से, like डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं. जैसे कि जो डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और उनमें से हम उनकी सबकी आवाज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. एंड रोरिंग ऑफ अ लाइन, और एक जो शेर वगैरह की जो दाढ़ होती है. एंड चिपिंग ऑफ बर्ड्स, और परिंदों का चहचहाना, दाड़ना. और उसके बाद उस यहाँ पे है साउंड्स ऑफ मशीन, और जो मशीन की आवाज़ें होती हैं उनको. एंड मेटल एंड वुड और प्लास्टिक, जो इसको हम लोग जो हैं वो कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं.
ये हैं हम लोग आवाज़ से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आवाज़ों पे डिपेंड करता है कि हम लोग आवाज़ के हिसाब से भी डिफरेंट जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या परिंदों के चहचहाने से, या शेर की आवाज़ से, या मशीन की साउंड से, मेटल एंड वुड और प्लास्टिक एट्सेट्रा, इन तमाम को हम लोग जो हैं वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। No, there is some special characteristics. Some materials have some special characteristics. Let us learn about them by their names. कुछ ऐसे materials होते हैं जिनकी कुछ special characteristics होती हैं. Let us learn about them. चले अब हम लोग इनके बारे में सीखते हैं by their names, उनके नाम के हिसाब से. सबसे पहले है waterproof. Some materials do not soak, यानी कुछ ऐसे materials होते हैं जो गीले नहीं होते हैं. हैंड अप वाटर एंड आर कॉल्ड वाटर प्रूफ, और इनको वाटर प्रूफ का नाम दिया जाता है. लाइक अ रेन कोट एंड अम्ब्रेला, जैसे कि रेन कोट और अम्ब्रेला है और ये वाटर प्रूफ होते हैं और उसको बारिश में पहना जाता है, या अम्ब्रेला को बारिश में यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से ये गीली नहीं होती है, ये वाटर प्रूफ होती है. एंड मैग्नेटिक है. थिंग्स मेड अप ऑफ आयरन एंड स्टील आर अट्रैक्टिव टू मैग्नेट्स एंड आर कॉल्ड मैग्नेटिक्स, यानी वो चीज़ें जो स्टील और आयरन की बनी होती हैं वो मैग्नेटिस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और ये इसकी स्पेशलिटी है जिसकी वजह से इसको मैग्नेटिक का नाम दिया जाता है, ये इसकी स्पेशल करेक्टरिस्टिक है. नेक्स्ट है कंडक्टर. मैनी मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर्स हैं, और दिस मीन इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट कैन पास थ्रू दैन ईजीली, जिसकी वजह से जो बिजली है या हीट है वो इनमें से ईजीली पास हो सकती है. मैनी मेटल्स आर आ गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट कैन पास थ्रू दैन ईजीली, उनमें से ईजीली गुजर सकती है. नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट. थिंग्स मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट, यानी वो चीज़ें जो ट्रांसपेरेंट वगैरह से बनी होती हैं. मटीरियल्स अलाउड लाइट टू पास थ्रू दैम लाइक अ ग्लास, और इनमें से जो है जैसे कि ये शीशे का ग्लास है, ये ट्रांसपेरेंट है और इसमें से जो रोशनी है वो ईजिली पास कर सकती है, ईजिली गुजर सकती है. एंड वी कैन सी एट एन अदर साइड ऑफ ट्रांसपेरेंट थिंग्स, और हम लोग जो ट्रांसपेरेंट थिंग्स हैं उसकी दूसरी साइड पर हम लोग ईजिली देख सकते हैं. एंड थिंग्स मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट, और वो चीज़ें जो ट्रांसपेरेंट होती हैं हम इनकी दूसरी साइड पे इजीली देख सकते हैं, जैसे कि ये शीशे का ग्लास है और इसमें से लाइट जो है वो इजीली पास कर सकती है. एंड वी कैन सी एट द अदर साइड ऑफ द ट्रांसपेरेंट थिंग्स, और हम लोग जो ट्रांसपेरेंट थिंग्स हैं उसकी दूसरी साइड पे इजीली देख सकते हैं. ओपाक्यू. सम मटीरियल्स डू नॉट अलाउ लाइट्स टू पास थ्रू लाइक वुड, कार्डबोर्ड, वॉल एंड मैनी अदर्स वी कैनॉट सी एट द अदर साइड ऑफ द ओपाक्यू, यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे मटीरियल्स होते हैं जो लाइट को गुजरने नहीं देते हैं, जिसमें से लाइट जो है वो नहीं गुजर सकती, जैसे कि वुड है, जैसे लकड़ी है, कार्डबोर्ड है, दीवार है, वॉल है एंड मैनी अदर्स, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जिसमें से रोशनी नहीं गुजर सकती. और हम लोग जो हैं वी कैनॉट सी एट द अदर साइड ऑफ द ओपाक्यू, और हम लोग जो हैं उस यानी उस जो दीवार है या वुड है या कार्डबोर्ड है या दूसरी कोई चीज़ है, तो हम लोग उसकी दूसरी साइड पर नहीं देख सकते हैं. नेक्स्ट इज़ फ्लेक्सिबल. सम मटीरियल्स आर ईजी टू बेंड, और कुछ ऐसे मटीरियल होते हैं जिसको आप लोग ईजीली बेंड कर सकते हैं, एंड दे आर कॉल्ड फ्लेक्सिबल, और इनको फ्लेक्सिबल का नाम दिया जाता है क्योंकि ये ईजीली बेंड हो जाते हैं. लाइक क्लॉथ एंड अ पीस ऑफ पेपर एंड सॉफ्ट प्लास्टिक है, जैसे कि कपड़े हैं या पेपर का कोई पीस है या सॉफ्ट प्लास्टिक है या कोई नरम प्लास्टिक की चीज़ है, तो आप उसको बेंड कर सकते हैं, वो फ्लेक्सिबल होती हैं. सम मटीरियल्स आर ईजी टू बेंड एंड दे आर कॉल्ड फ्लेक्सिबल, और इनको फ्लेक्सिबल का नाम दिया जाता है. लाइक क्लॉथ, जैसे कि कपड़े हैं, एंड द पीस ऑफ पेपर है या पेपर का पीस वगैरह है, एंड सॉफ्ट प्लास्टिक है, या आप कोई भी सॉफ्ट प्लास्टिक की एग्जांपल लें तो ये फ्लेक्सिबल में आता है, यानी जिसको आप बेंड कर सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, जिसको आप जो है वो जैसे कपड़े हैं तो आप उसको जो है वो तय कर सकते हैं, उसको आप बेंड कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल हैं, ये फ्लेक्सिबल मटीरियल्स हैं, जिसकी वजह से ये जो है ये इसकी स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स में आता है कि इसकी ये स्पेशल करेक्टरिस्टिक है.
नो मूव ऑन द असेसमेंट्स, नो मूव ऑन द असेसमेंट, असेसमेंट में हमारे पास है राइट ट्री फॉर द ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट्स, यानी जो स्टेटमेंट ट्रू है उसके लिए टी लिखें और जो फॉल्स है उसके लिए एफ लिखें। सबसे पहले है मैटर इज फाउंड इन ओनली थ्री स्टेट्स, मैटर इज फाउंड इन ओनली थ्री स्टेट्स, यस दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ऑल मटीरियल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। Opaque objects allow lights to pass through them. No, this is a false statement. इसमें से लाइट नहीं गुजर सकती है। Things made of iron are attracted by the magnetics. यानी वो चीज़ें जो आयरन से बनी होती हैं उसको are attracted by the magnetics. वो magnetics से attract की जाती हैं। Yes, this is a true statement. Waterproof materials do not soak up water. Yes, this जो waterproof material होता है वो पानी से गीला नहीं होता है, ये true statement है। No, filling in the blanks with the suitable words. Suitable words के साथ आपने ये जो filling the blanks हैं इसको fill up करना है। सबसे पहले है many materials are good conductors of heat and electricity. Many materials are good conductors of heat and electricity. Next है we cannot see at other side of an opaque objects. Flexible materials are easy to bend. जो फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है उसको बेंड करना बहुत इजी होता है। मैटर्स कैन बी फाउंड इन ओनली थ्री स्टेट्स, मैटर्स जो है इसको थ्री स्टेट्स में इसको पाया जाता है जिसमें सॉलिड है, लिक्विड है और गैस फॉर्म है। डैश मटेरियल्स अलाउ लाइट्स टू पास थ्रू, कौन से मटेरियल्स हैं जो अलाउ करते हैं कि जिसमें से रोशनी गुजर सकती है, जो ट्रांसपेरेंट जो मटेरियल्स होते हैं वो अलाउ लाइट्स टू पास थ्रू, उनमें से रोशनी जो है वो गुजर सकती है, इजीली गुजर सकती है। द ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स अलाउ लाइट्स टू पास थ्रू, उनमें से रोशनी जो है वो इजीली गुजर सकती है। नेक्स्ट है अनस्क्रैपेबल द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं उनको आपने जो है वो अरेंज करके लिखना है। सबसे पहले हमारे पास है क्लैपिस्ट, इसको आप अरेंज करके लिखें। मेटल की बनी होती हैं, कुछ प्लास्टिक हैं, प्लास्टिक, उसके बाद हमारे पास है कंडक्टर है, नेक्स्ट इज कंडक्टर, UCTORS कंडक्टर्स हैं, नेक्स्ट है OPQ नेक्स्ट इज मैग्नेटिक, मैग्नेटिक एंड इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, नेक्स्ट इज एंड द लास्ट वन इज टर्मिनल्स एंड ट्रांसपेरेंट। लाइक ट्रैम रेल्स, इसको आप अरेंज करके लिखेंगे तो ये वर्ड बनेगा मटेरियल्स।
मटेरियल्स, ये है हमारे पास मटेरियल्स जिसमें हम लोगों ने मैटर एंड मटेरियल्स के बारे में पढ़ा, उसमें ये था वर्ड मटेरियल। नो मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी। कॉलम ए में पढ़ें आप, सबसे पहले है ट्रांसपेरेंट, कंडक्टर, मैग्नेटिक, फ्लेक्सिबल एंड वाटरप्रूफ। और कॉलम बी में है ईजी टू बैंड, थिंग्स आर अट्रैक्टिव टू मैग्नेटिक, कैन अलाउ लाइट्स टू पास थ्रू, कैन नॉट सॉक अप वाटर एंड कैन अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू। तो आप सबसे पहले देखें, ट्रांसपेरेंट वो चीज़ें होती हैं जिनमें से लाइट जो है वो ईजीली पास कर सकती है। ट्रांसपेरेंट्स कैन अलाउ लाइट्स टू पास थ्रू। कंडक्टर्स हैं थिंग्स, ये कैन अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक्स ये थिंग्स आर अट्रैक्टिव टू मैग्नेटिक। फ्लेक्सिबल है, इजी टू बेंड। नेक्स्ट वाटरप्रूफ, कैन नॉट सोक अप वाटर। लिस्ट द थिंग्स इन योर क्लासरूम डैट आर मेड ऑफ वुड, प्लास्टिक एंड मेटल। यानी उन चीज़ों की आपने लिस्ट बनानी है जो आप किस चीज़ की बनी हुई हैं, जो वुड की हैं, जैसे कि चेयर है, टेबल है, और प्लास्टिक की हैं, और जो प्लास्टिक की बनी हुई हैं जैसे प्लास्टिक की चेयर्स एंड टेबल हो सकते हैं। उसके बाद मेटल, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेटल्स की बनी होती हैं। नो राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर नोटबुक। आप अपनी नोटबुक पर इन आंसर क्वेश्चन को लिखें। Answer the following questions. Answer the following questions. Number one question है, how do we describe different things are materials। हम लोग जो different things and materials हैं इनको कैसे describe कर सकते हैं। The answer is we describe things according to their color, size and texture, shape and texture। क्वेश्चन नंबर टू, सम मटीरियल्स अलो इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट टू पास थ्रू देम, बट आर दे कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर टू इज सम मटीरियल अलो इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट to pass through them, what are they called? यानी कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट जो है वो बड़ी इजीली पास करती है, उनको कौन से मटेरियल्स का नाम दिया जाता है। द आंसर इज सम मटेरियल्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट to pass through them, such materials are
such materials are called conductors. इन मटेरियल्स को कंडक्टर्स का नाम दिया जाता है. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट व्हाट आर ऑप्टिक ऑब्जेक्ट्स. ऑप्टिक ऑब्जेक्ट्स आर सम मटेरियल्स. द आंसर इज Some materials do not allow light to pass through them. Such materials. Such materials are called go ऑप्टिक ऑब्जेक्ट्स का नाम दिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 What are waterproof materials give some examples. Some material do not soak up water and are called waterproof. Like raincoat and umbrella. Next question is what are magnetic materials give some examples. Things made up of iron and steel are attracted to magnetics. Called magnetic material. आंसर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.